सीजन 14 से जुड़ी कई सारी खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आती हैं, जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। उसी तरह का हमारे पास है आपके लिए स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है टॉप 5 न्यूज। दोस्तों आज की भी 5 खबरें हैं जो कि सीधा रिलेट कर रही हैं बिग बॉस सीजन 14, उसके घर और घर के घर वालों से। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वैशाली गोकिया और चलिए आपको बताती हूँ क्या रही हैं ये 5 खबरें। तो जो पहली अपडेट है वो है चैलेंजर्स को लेकर। जी हाँ, घर में कुछ चैलेंजर्स की एंट्री हुई है, जहां पर विकास गुप्ता को स्पेशली सीजन 14 में इंटरेस्ट को ज्यादा हाई करने के लिए बुलाया गया है। आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर इन फ्यूचर रुबीना और जैस्मिन जैसे प्लेयर्स, पॉपुलर सेलिब्रिटीज अगर घर से बाहर हो भी जाएं, तो भी आप इस पर अचंभा मत कीजिएगा, क्योंकि सीजन 14 इस बार अलग वे में चल रहा है और इस बार चैलेंजर्स कुछ नया और हटके करने वाले हैं। दूसरी जो अपडेट है वो विकास गुप्ता को लेकर है कि घर में अर्शी और कश्मीरा आते ही उनसे भिड़ गई है। अर्शी खान तो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालती हुई नजर आ रही है कि घर के बाहर उन्हें इग्नोर किया गया, दोस्ती के झूठे वादे थे और कहा कि तुम मेरे गुलाम हो, मैं यहाँ की मलिका, तो जो कुछ करोगे मुझसे पूछ के करोगे और तुम्हारी लीडरशिप यहाँ नहीं चलने वाली है और तुम्हें ना तो कप्तान बने दूंगी। और विकास गुप्ता उन्हें इग्नोर करते हुए नजर आए, तो वही कश्मीरा शाह से भी उनकी बन गई है उल्टी बात, क्योंकि जब विकास गुप्ता बता रहे होते हैं अपनी मन की बातें, गेम को लेकर चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, तो कश्मीरा गुस्सा हो जाती है और कहती है, लिसन विकास, तुम अभी तक नहीं बदले हो, वही चीजें कंटिन्यू कर रहे हो, अपने आप को स्मार्ट समझते हो, लीडर समझते हो, हम क्यों चले तुम्हारे दिमाग के हिसाब से, हम अपना गेम खेलने आए हैं और उसी हिसाब से चलेंगे। तो वो वहां से उठकर चली जाती हैं और विकास इस पर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और उन पर चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि कश्मीरा का और जैस्मिन भसीन का थोड़ा सा झगड़ा हो गया, क्योंकि कश्मीरा ने कहा कि जैस्मिन तुम मास्टरमाइंड हो, गेम प्लानर हो, क्योंकि पहले तो रो धोकर अली को बुला लिया और फिर वही रोने धोने का करके अली को वापस भी भेज दिया, गुड गेम। हाँ, इस पर जैस्मिन ने कहा कि 3 साल का रिश्ता है, उसे गेम का नाम देकर प्लीज इंसल्ट मत करो, क्योंकि बुरा लग रहा है। इस पर कश्मीरा ने कहा कि मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्स जमते नहीं है, तो मैं आपको फुद्दू बेवकूफ प्लेयर बुलाऊं? तो इस पर कश्मीरा ने कहा कि तो बेवकूफ प्लेयर ही बुलाऊं, और इस तरीके से उन दोनों के यहाँ पर ठन जाती है। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि अर्शी खान ने कहा है कि अभिनव जी, मैं आपको यहाँ पर पापा भी बना सकती हूँ। जी हाँ, अर्शी खान ने आते ही अभिनव शुक्ला पर अपना धावा बोल दिया है और कह दिया है कि एक तरफ तुम्हारी घरवाली और दूसरी तरफ मैं बाहर वाली, और हाँ रुबीना तुमको जो करना है सो करो, लेकिन मेरा पूरा निशाना, मेरा पूरा दाव अभिनव पर है। अभिनव, अब तुम खुद को बचाओगे कैसे? वैसे एक बात बता दूं कि मैं तुम्हें यहाँ पर पापा भी बना सकती हूँ। अब पांचवी जो अपडेट है वो है घर में वापसी वाइल्ड कार्ड कंटेंडर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल घर में वापस से एंट्री हो सकती है अली गोनी, निकी तंबोली, कविता कौशिक और राहुल वैद्या की। मेकर्स ने उन्हें कॉन्टेक्ट किया है, तो अली और निकी तो रेडी है वापस आने के लिए, लेकिन यहाँ पर कविता कौशिक और राहुल वैद्या अभी भी थोड़े कंफ्यूजन में है कि उन्हें वापस आना है या नहीं, क्योंकि जैसा उनका बिग बॉस के घर में सफर रहा है उसे देखते हुए शायद ही वो आएंगे। तो दोस्तों ये थी आज के टॉप 5 खबरें, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर बार हर रोज टॉप 5 खबरें बाकी दूसरी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर कटलेस अनसीन अनदेखा सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।